गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। आप सभी जैसा जानते हैं कि यहाँ पर पीएचडी की नोटिफिकेशंस एंड पीएचडी के रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं। तो क्वेश्चन पेपर अगर आपको लेने हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ले सकते हैं। आज हम इसमें नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे जो न्यू नोटिफिकेशन है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सारी सुविधाएँ आपको मिलेंगी, यहाँ पर फेलोशिप भी आपको मिलेगा एंड जो रिजर्वेशन होते हैं वो सभी कैंडिडेट के लिए समान तरह से लागू होते हैं। स्टार्टिंग अभी नहीं हुई है, 20/8/2022 से स्टार्टिंग होगी, 17 तारीख को, यानी कि कल इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई हुई, जैसे कि फीस मतलब एप्लीकेशन फ़ी वगैरह अभी नहीं बताया गया, सीट नहीं बताई गई है, और जो डिटेल्स हैं उसको हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। 20 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, तब हो सकता है कि इसकी पूरी डिटेल आ जाए, और साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को एंड इन्वायरमेंट तक, जो दूसरा चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। दोनों पर एजुकेशन से रिलेटेड ही कंटेंट मिलेंगे जो आपके लिए उपयोगी होंगे। तो चलते हैं इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सच में लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रिसर्च मेथोलॉजी को अलग लेना चाहते हैं तो भी, एंड अगर आप सब्जेक्ट के साथ रिसर्च मेथोलॉजी दोनों को लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से नोटिफिकेशन आया हुआ है पीएचडी का, और ये एक डायरेक्ट एडमिशन है। यहाँ पर सिर्फ जो फेलोशिप वाले हैं, जैसे कि जेआरएफ कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है पीएचडी एडमिशन 2022 नोटिफिकेशन फॉर नेट जेआरएफ, ठीक है। तो जो जेआरएफ कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, और जो है ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, ये तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना में है हैदराबाद यूनिवर्सिटी। तो अगर इसके लिए आपको जो सारी प्रोसेस होंगी वो उसके लिए आपको तेलंगाना ही जाना पड़ेगा, जैसे कि इंटरव्यू वगैरह हो गया, तो अगर ऑनलाइन होता है तो ठीक, नहीं तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, यहाँ पर द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इन्वाइट एप्लीकेशन फॉर फ्रॉम नेट जेआरएफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। द इनटेक ऑफ द प्रोग्राम मेंशनड अगेंस्ट ईच, सभी प्रोग्राम के सामने इनटेक दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं अवेलेबल है, ये हो सकता है कि 20 के बाद अवेलेबल हो जाए या 20 को भी अवेलेबल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, प्लांट साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, सिस्टम एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, हेल्थ साइंस है, पब्लिक हेल्थ है, एंड बायोमेडिकल साइंस है, कॉग्निटिव साइंस है। तो ये इसके इतने 15 डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, और एडमिशन की डेट, इंटरव्यू की डेट, नोटिफिकेशन रिजल्ट का, ये सब सारी चीज़ें अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दी गई हैं, तो वो जल्द ही आ जाएगा जहाँ तक है। सभी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है, कुछ में 55% मांगा गया है, कुछ में 60% मांगा गया है, और इसके साथ सभी के साथ आपका जेआरएफ, यूजीसी, सीएसआईआर या आईसीएमआर से होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो कौन, सिर्फ जेआरएफ, नेट वालों के लिए यहाँ पर नहीं कहा गया, वो जो नेट जेआरएफ लिखा था मतलब कि जो जेआरएफ है जाहिर सी बात है नेट तो होगा ही, तो नेट वाले नहीं, यहाँ पर जेआरएफ वाले एलिजिबल हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर 15 आपको दिखा दिया गया, आप सभी की एलिजिबिलिटी देख सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो सभी के लिए एग्ज़ाम होगा उसका 2022-23 सेशन का बहुत जल्द ही एडमिशन स्टार्ट होगा, ये जितनी सीटें खाली थी उतने का पहले जेआरएफ के थ्रू एडमिशन ले ले रहे हैं। इसके बाद जब एडमिशन होगा तो सभी कैंडिडेट का होगा, और यहाँ पर सीटें बहुत होती हैं, सीटों की कमी नहीं होती है, एक एक डिपार्टमेंट में लगभग 40-40, 50-50 सीटें रहती हैं, ठीक है। तो ये अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर जो हम दे रहे हैं उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के भी क्वेश्चन पेपर होंगे जो आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन है तो वो आप लोगों का एग्ज़ाम तो होना नहीं है, लेकिन जो सभी के लिए एक साथ एडमिशन होगा उसमें एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है, और आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें डायरेक्ट एडमिशन है तो इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू आपका होगा। तो अभी जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उतना हमने आपको दिया, फिर हम किसी अन्य नोटिफिकेशन के साथ फिर किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।